तो चलिए जी, ये रहा पूरा संडे मार्केट, और अभी देखते हैं पूरा संडे मार्केट एक्सप्लोर करके। और यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ें मिलेंगी भाई। 150 रुपये में ये सारी टी शर्टें मिल रही हैं। भीड़ देखो, और यहाँ देखो, इसमें आदमी गिरेगा भाई। और टमाटर हो रहे हैं यहाँ 140 रुपये किलो। सोना है ये, सोना टमाटर नहीं है, सोना है। और भीड़ देखो यहाँ, भीड़। और ये अभी टच करने की कोशिश कर रहे हैं, पर डर देखो, डर देखो कितना ज़्यादा डर लग रहा है इनको। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में, दिल्ली के इस खूबसूरत शहर से, और आयनगर और अर्जनगढ़ से। आयनगर दोस्तों इसको ऐसे ही बोला जाता है, और अगर मेट्रो के हिसाब से देखा जाए, यानी मेट्रो स्टेशन के हिसाब से, तो इसको अर्जनगढ़ बोला जाता है। चलिए जी, अभी मैं आ चुका हूँ छत में, और यहाँ देखो भाई, यहाँ बहुत सारे फूल लगा रखे हैं बगल वालों ने, और कैक्टस है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रामबास भी है, यानी जो हमारे यहाँ एलोवेरा बोला जाता है ना, एलोवेरा का पेड़ भी है, और काफ़ी सारे लगा रखे हैं। इतने सारे फूल हैं कि इनके नाम भी मुझे नहीं पता। बाकी दोस्तों ना, कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, यानी कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, और कल से ना बिल्कुल बारिश पे लगी हुई है। आज सुबह भी अभी तक बारिश ही हो रही थी, और इससे ना काफ़ी ज़्यादा मौसम में बदलाव आ रखा है, यानी काफ़ी ज़्यादा मौसम ठीक हो रखा है, क्योंकि बिल्कुल बारिश आ रही थी और गर्मी इतनी भयंकर हो रही थी कि क्या ही बताऊँ। पर अभी गर्मी थोड़ा बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि बारिश लगी हुई है 2 दिन से। और यहाँ की गलियों के हाल देखो भाई, बारिश के बाद इतना भयंकर कीचड़ कीचड़ हो रखा है कि क्या ही बताऊँ। बाकी ये अभी बन रहे हैं, और यहाँ दोबारा ये सारे बनाए जा रहे हैं, और ये देखो भाई, यहाँ से कूले गाड़ी जा रही है, तो अभी यहाँ बहुत सारा बनेगा। ये पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, ये तीनों के तीनों बोल रहे हैं फील्ड में चलो। ये ताजी हवा है, और ये है वॉलीबॉल फील्ड, और इस फील्ड में तो मेरे को कम लग रहा है, कूड़ा करकट ज्यादा लग रहा है ये। और इधर देखो भाई दोस्तों, इधर बहुत सारे कबूतर हैं, और आरुषि ने सारे कबूतर उड़ा दिए भाई। ये देखो, ये सारे कबूतर इधर मस्त दाना चुन रहे थे, और आरुषि ने सारे भगा दिए। और इसके चक्कर में दोस्तों ना, इस फील्ड में पूरा कीचड़ 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 हो रखा है। ये देखो भाई, क्यों आई फिर गाइस? यहाँ गाइस देखो कितना मस्त फूल मिला है। ये फूल है, फूल है, तो चले जी, अभी और आगे जा रहे हैं। बाकी दोस्तों ना, ये सारा अब जाके बन रहा है। 6 महीने पहले मैं यहाँ आया था, और इतना डेवलप नहीं था, ये कुछ भी नहीं था, ये सारी चीज़ें अब बन रही हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा करके यहाँ डेवलप होता जा रहा है, क्योंकि ये अभी आयनगर के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा अंदर हैं, तो इसलिए भाई यहाँ इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। और ये जगह ना पूरी मैदान थी, पूरी मैदान जो ये अब जाके बन रही है ना, ये पूरी मैदान टाइप थी, और इधर तो खेती कर दी इस साइड पे, और दीवारें बना दी गाइस। अब हम तो ये दिखाते हैं कैसे फूल रही है, देख लो गाइस। और क्या दिखेगा? पीकॉक मिल जाती तो और अच्छा है गाइस।
और हमने अंडा छुपा रहे होंगे ताकि हम सब नहीं ले लें उसके अंडे। बुगला जैसे इसका कुछ करके ऐसा नाम होता है। क्या नाम होता है इसका? बुगला करके ऐसा, बहुत ज्यादा पानियों में रहती है। अच्छा, बुगला करके वो अलग चीज होती है। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी भी आ चुके हैं। तो इस पक्षी का दोस्तों हमें नाम नहीं पता। इस पक्षी का नाम अगर किसी को पता है तो कमेंट करना। ऐसा लगा सही में अंडा दे रही है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अंडे दे रही है। तेरे को कैसे पता? ये देती है। तो ये देखो भाई, ये इतनी जीनियस, देख रहे हो, खुद अपना दिमाग लगा रही है यहाँ। और ये अभी टच करने की कोशिश कर रहे हैं, पर डर देखो, डर देखो कितना डर लग रहा है इनको। अंडे हैं उसके। तो ये भाई इसके अंडे हैं, वो अंडों को ही प्रोटेक्ट कर रही है यहाँ पे। तभी तो पारता है, पार लेगी। जी फॉर जीनियस। ये देख, दिख रहे हैं दो। मैं रोज पार लेजी खाती हूँ। गाइस पार लेजी खाना चाहिए। जी फॉर जीनियस। ये किसकी मोटी? तो गाइस हम वापस घर जा रहे हैं। मजा आ गया आज। मजा आ गया बगले के अंडे को देख के। तो आर्य से कह रही है भाई हमें अंडे देख के मजा आ गया। मुझे पता था उसको अंडे दे दिए होगी। मैं अंडे को प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि पार लेजी जी फॉर जीनियस जो मेरे अंदर भरा पड़ा है। अच्छा, तो बुद्धू है। बुद्धू नहीं, टैलेंटेड। आ जाती वापस उधर चली गई। ब्लॉग में देखो तेरे कितना कुछ सीख। आहा आहा नचिया। तो चलिए जी, यहाँ भी बारिश शुरू हो चुकी है और दिल्ली के हाल दोस्तों कुछ ऐसे कि बसगाल बोलते हैं ना, जैसे हमारे पहाड़ों में बसगाल लगा होता है, तो वैसे ही यहाँ दिल्ली में भी बसगाल लग चुका है भाई। क्योंकि दो तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी बारिश फिर से स्टार्ट। चलिए जी, अभी ठीक शाम के 6 बज चुके हैं और अभी हम निकल चुके हैं मार्केट की ओर। और मेरे साथ है चाची, चाची पीछे से आ रही है और हम दोनों जा रहे हैं अभी मार्केट की ओर, क्योंकि थोड़ा बहुत छोटे मोटे सामान, सब्जी वगैरह और कुछ छोटे मोटे सामान है वो लेके आएंगे। बाकी आय नगर के हाल कुछ ऐसे, कीचड़ी कीचड़ भाई, बारिश की वजह से कीचड़ी कीचड़। तो चलिए जी, ये है देसी स्विमिंग पूल। ये देखो यहाँ पूरा पानी भर रखा है, पूरा पानी ही पानी, इतनी बारिश हो रही है भाई साहब। और मेरे को दोस्तों बाल वाल भी कटवाने हैं, क्योंकि बाल वाल भी काफ़ी बड़े हो गए, तो कटिंग भी करवाएंगे। बाकी आज संडे है तो यहाँ संडे मार्केट भी लगता है, पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी है तो क्या पता लगे ना लगे, तो देखते हैं, क्या पता संडे मार्केट हो। तो चलिए जी, ये रहा पूरा संडे मार्केट और अभी देखते हैं पूरा संडे मार्केट एक्सप्लोर करके। और यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ें मिलेंगी भाई, सब्जी से लेके कपड़ों से लेके हर चीज़ एक चीज़। चलिए जी, अभी तो मार्केट लगना शुरू हो रहा है और अभी पूरा मार्केट नहीं लगा है, तो ये रहा भाई पूरा संडे मार्केट। और चेक करते हैं, मैं शायद एक टी शर्ट लूँ अपने लिए और बाकी हमें और सामान भी लेना है। ₹150 में ये सारी टी शर्टें मिल रही हैं। चलिए कुछ दुकानें इधर लगी हुई हैं और ये पूरा है संडे मार्केट। और आज भाई लग गया, सोचा नहीं था कि लगेगा पर लग गया भाई। ये हैं दोस्तों बच्चों के लिए फ्रॉकें, तो बच्चों के लिए इधर फ्रॉकें भी लगी हुई हैं और इधर भी देखो, इधर भी बच्चों के लिए, तो इधर आप बच्चों के लिए भी शॉपिंग कर सकते हो। तो भाई मार्केट तो बढ़िया रहता है ये, पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है इसमें। अभी देखो कुछ देर में कितनी भीड़ उमड़ती है यहाँ। यहाँ भीड़ देखो और यहाँ देखो, इसमें आदमी गिरेगा भाई।
और इसमें आदमी गिर भी सकता है, तो यहाँ चलना पड़ेगा ध्यान से। भाई साहब कितना कीचड़ भाई, और भीड़ देखो यहाँ भीड़। और इधर से है मंडी और आगे लगी हुई है कपड़ों की दुकान, इधर जाएंगे और इधर से आप सब्जी वगैरह ले सकते हो। और टमाटर हो रहे हैं यहाँ 140 रुपए किलो, सोना है ये, सोना टमाटर नहीं है, सोना है। और प्याज कैसे बिकना, तो पानी कितने, 150 रुपए किलो। तो चलिए इधर से ले रहा हूँ अभी मिर्ची, और पूरा संडे मार्केट कुछ ऐसा, और यहाँ भीड़ होती है भाई बहुत ख़तरनाक। अभी तो लोग कम आ रहे हैं, नहीं तो भाई जगह नहीं होती यहाँ चलने की भी। ये टी शर्ट लग रही है मुझे सही, और इस टी शर्ट को लेने की सोच रहा हूँ, तो चलिए इसको ले लेते हैं। चलिए जी आगे हम मार्केट के अंदर से भी, और भाई जो कुछ कुछ हो रही है ना वहाँ, क्या ही बताऊँ। और चाची को भाई ये वाली जुत्ती यहाँ पसंद आ रही है, तो देखते हैं क्या पता जुत्ती ले, देख रहे हैं अभी। निकलना चाहिए मतलब बड़ा होना चाहिए, और इतने छोटे साइज में भाई ढीले हो रहे हैं। तो चलिए जी आ गए हम संडे मार्केट से, और कुछ ऐसा था दोस्तों संडे मार्केट। बाकी आज तो बहुत कम था, क्योंकि ये बारिश के चक्कर में ना, तो आज तो बहुत कम था, नहीं तो भाई साहब ऐसी भीड़ होती है ना वहाँ, जाने के लिए जगह नहीं होती। अभी मुझे बाल कटवाने हैं, और बाल कटवाएंगे, बाकी सब्जी हमने ले ली, तो बाल वगैरह कटवाते हैं और उसके बाद निकलेंगे सीधा घर के लिए। चलिए जी कुछ ऐसी शॉप है, और यहीं मैं बाल कटवाता हूँ, जब मैं पहले यहाँ आया था ना तो यहीं कटवाता हूँ, यहाँ बढ़िया बाल कटते हैं भाई, तो कटवाते हैं, कटिंग करवाते हैं, तो देखते हैं। बाकी अभी तो एक बंदा और है मुझसे आगे, मतलब एक बंदे का और नंबर है, उसके बाद मैं कटवाऊँगा। बाकी आईनगर का कुछ ऐसे नज़ारे फिलहाल। ये दोस्तों फाइनली घर पे भी आ चुके हैं, और बाल वाल कटिंग भी हो चुकी है, और अभी बना रहे हैं खाना इधर से। चलो चाची और मैं दोनों मिलके बना रहे हैं आज, अभी बनाने वाला हूँ इसमें, तो देखते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों करते हैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म, और चाची अब खाना बनाने पर लगी हुई है, और चाचा तो अभी लेट आएंगे थोड़ा। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म, मिलेंगे आपको एक नए और मज़ेदार पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।